नमस्कार। आज की चर्चा में राग नंद ली है। राग नंद कल्याण ठाट की राग है और इसके वादि और संवादि स्वर षडज और पंचम है। कुछ गुणीजन इसको वादि स्वर गंधार और संवादि स्वर निषाद ही बताते हैं। ज़्यादातर मत जो षडज है वो वादी है और संवादी पंचम है। कुमार गंधर्व साहब उनकी गाई हुई बंदिश है, बहुत प्रसिद्ध थी। ओ राजन अब तो आजा राजन अब तो आजा राजन अब तो आजा राजन अब तो फिर न रहत गजरा अखियन में राजन अब तो आजा राजन अब तो आजा राजन अब तो थिरन रहत गजरा अखियन में राजन अब तो अब तो थिरन अखन में राजन अब तो राजा राजन अब तो थिरन रहत गजरा अखियन में राजन अब तो आजा राजन अब तो अब ना सहुरे पिया अब ना सहुरे छब तोरी आजा राजन अब तो आजा राजन अब तो प्यार नंद लाल प्यार नंद श्याम की छवि बसी मन मोर श्याम की छवि बसी मन मोर अजर नंद ला प्यार नंद ला
शब की छवि बसी मन गोरे, शब की छवि बसी मन गोरे, करो नंद लारो नंद खजरारे हरे मन के कजरारे हरे मन के चैना मोर पीछे सोम छवि मन करो छवि तोरी प्यारी अति प्यारी छवि तोरी प्यारी अति प्यारी नटक नैया की लीला न्यारी न्यारी प्यारो नंदला आल प्यारो नंदला राग नंद जिसको गाने का समय है रात्रि का प्रथम पहर और द्वितीय पहर या तो जश्नों के बीच या रात को 9 से 12 के बीच यानी इस राग को संज्ञा दे तो जाते वक्त इसमें ऋषभ नहीं लगता है और आते वक्त सारे स्वर लगते हैं, लेकिन इस राग में सारे गम पद निशा ऐसे जो है सीधा सपाट आरोह और अवरोह नहीं होता है, थोड़ा वक्र होता है, इसलिए इसकी राग की जो प्रकृति है वो वक्र है। और वैसे भाव दृष्टि से देखें तो इस राग की जो प्रकृति है वो चंचल है, जैसा नाम से विदित है नंद, नंद का मतलब मन प्रफुल्लित होना। गम प ध प नि प प ग म प ग स ग म प रे स ग स ग म प ध नि प सा अमूमन जो राग का जो आरोह अवरोह होता है या राग का जो विस्तार होता है उसमें सा के ऊपर आके जो कलाकार रुक जाता है, लेकिन इसमें एक अलग ही आनंद है। सगम प ध म प ग म प ध प प गम पर सा धन धन भाग नंद के धन धन भाग नंद के जिन के घर आयो श्याम जिन के घर आयो श्याम धन धन भाग नंद के धन धन भाग चारों ऋग्वेद पुराण
चारों ये वेद पुराने और मुनि जन न जाने पायो श्याम धन दैन भाग नंद के धन धन भाग नंद के जिन के घर आए श्याम जिन के घर आए श्याम धन धन भाग नंद के चारों वेद पुराने और चारों वेद पुराने मुनि जन न जाने पाए मुनि जन न पाए श्याम धन धन भाग नंद के धन धन भाग नंद के। इस राग को गाते समय इस राग में चार रागों का जो मिश्रण प्रतीत होता है उसमें एक जो महत्वपूर्ण रागे हैं उसमें विहाग राग कामोद राग गोड़ सारंग और राग हमीर। लेकिन इस राग की जो प्रकृति है स्वरों को लगाने की वक्र है इस कारण से इन चारों रागों से अलग हो जाती है। ये गाना है मेरा साया फिल्म का। ये गजल भी आशा भोसले जी गाई गाई हुई है। जाने दो मुझे जाने दो रंजिश न गिले वफा के सिले जो गए जाने दो मुझे जाने दो रंजिशे या किले वफा के सिले जो गए जाने दो। फिल्म संगीत में इसका प्रयोग खूब हुआ है लेकिन प्योरली या जिसको कहते हैं कि जिसको कह सकते हैं कि ये नंद राग पे आश्रित गाना है बहुत ही गुणी संगीतकार मदन मोहन जी उनका कंपोज किया हुआ मेरा साया फिल्म का गाना लता जी ने गाया और इतना मधुर गाना है टाइटल सॉन्ग है फिल्म का। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरा सुर कभी मुझे को याद करके जो बहेंगे तेरा सुर तब ही पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू तुझे धरे करेगा मेरा साया साथ
होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया। इसमें मदन मोहन जी ने हल्के से कोमल निषाद का प्रयोग किया है। मेरा गम रहा है शाम तेरे दुख में तेरे गम में मेरा गम रहा है शाम तेरे दुख में तेरे गम में मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में तू कोई जन्म भी लेगा तू कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया तो इस राग में जो न्यास के स्वर है जिसपे कलाकार रुकता है या वो रुकना बनता है, इसमें एक तो गंधार है, एक शुद्ध मध्यम और पंचम। देव निषाद का देवतो निषाद का अल्प प्रयोग है इसमें, और कोई कोई विद्वान इसमें मुक्त मध्यम की संज्ञा देते हैं, मध्यम को मुक्त मध्यम। बहुत दिन पंडित राजन साजन मिश्रा की गायी हुई बंदिश है। बहुत दिन बीते रे बहुत दिन बीते रे अजहू में श्याम अजहू श्याम श्याम अजहून श्याम 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 अजहून श्याम 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 अजहून श्याम बहुत दिन बीते रे बहुत दिन बीते रे पलकन डगर बहार पलकन डगर पलकन डगर पलकन डगर जो आवे दादा जो आवे दादा
नाम अज हो ये शाम अज हो ये शाम बहुत दिन बीते रे बहुत दिन बीते रे अज हो ने आए शाम अज हो पल का डगर बुहार है पल का डगर बुहार है पल का डगर पल का डगर बुहार है जो आवे दा जो आवे दा अज हो ने आए शाम अज हो ने आए शाम राग नंद बहुत ही आनंदित करने वाली राग है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, कलाकार इसमें बहुत आनंद महसूस करता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।